हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बनीजीज किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम वैलेंटाइंस डे स्पेशल एक रेसिपी बनाएंगे जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जिलेटिन पाउडर लिया है, जो कि हमें यहाँ पे मिक्स करना है। हम यहाँ पे अब देख सकते हैं 1.5 चम्मच जिलेटिन पाउडर लिया है और इसे हम पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पे जिलेटिन पाउडर या अगर पाउडर भी ले सकते हैं। तो हमने जिलेटिन पाउडर लिया है और उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे पानी की मदद से। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा जो स्टेप है वह है, हम एक कढ़ाई ले लिया है और हम दूध यहाँ पे ले लेंगे। हमने 1/2 लीटर यहाँ पे दूध लिया है और हम दूध को अच्छे से पहले उबाल लेंगे। अगर उबला हुआ दूध हो तो अच्छे से गर्म करना है। हमें दूध को अच्छे से यहाँ पे उबल लेना है। हमने उबला हुआ दूध ही डाला है, इसीलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे शुगर लेना है, ताकि मीठास जो है वो अच्छा आए। और फिर हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि शुगर हमने जो डाला है वो अच्छे से घुल जाए दूध के साथ। और हाई फ्लेम पे हम बनाएंगे इसे। और फिर यहाँ पे हमें थोड़ा वनीला एसेंस डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, शुगर जो डाला है वो लगभग घुल चुका है, थोड़ा ही बचा है। अभी हमें यहाँ पे जिलेटिन जो हमने लिया है वो हमें डालना है और उसे तब तक हमें चलाना है जब तक कि पूरा ये डिजॉल्व ना हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो शुगर हमने डाला है वो भी अच्छे से डिजॉल्व हो गया है, जो जिलेटिन डाला है वो भी अच्छे से इसमें घुल गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे, गैस का फ्लेम जो है हम बंद कर देंगे। देखिए, पूरी तरह से ये डिजॉल्व हो चुका है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने केक का मॉडल लिया है। आप किसी भी कांच के भी जगह ले सकते हैं, फ्लैट या ओवल, कोई भी ले सकते हैं। तो हमने हार्ट शेप का करेंगे, इसीलिए हमने ऐसे मोड़ लिया है। तो हम जो दूध है उसको हम डाल देंगे। पूरा का पूरा हमने डाल दिया है। अभी इसे हमें ठंडा करना है और 1/2 घंटा के लिए हमें इसे फ्रिज में रखना होगा। 1/2 घंटा के लिए हमें डीप फ्रिज में रखना होगा ताकि ये जो हमने दूध डाला है ये पूरा का पूरा सेट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर हम जिलेटिन पाउडर जो है वो लेंगे। हम 1/2 चम्मच जो है यहाँ पे जिलेटिन पाउडर लेंगे और हम इसमें जो पानी है वो पानी इसमें ऐड करेंगे और ऐड करके इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। आप पहले भी देख चुके हैं, तो उसी तरह से हमें मिक्स करना है। पूरी तरह से मिक्स हो गया है। अभी हम यहाँ पे 1 ग्लास पानी लिया है, आप देख सकते हैं। और फिर हम इसमें पानी को जो है डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे, क्योंकि हमें पानी जो है उसे उबलना है। तो हम पानी इसमें डाल दिया है और फिर हम नींबू का रस इसमें डाल देंगे। देख सकते हैं, नींबू का रस डालने के बाद हम यहाँ पे चीनी ले लिया है, चीनी भी हम डाल देंगे और अच्छे से हमें मिक्स करना है। चीनी डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से घुल जाए। और हमें हाई फ्लेम पे ही बनाना है ताकि जल्दी जल्दी ये मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने जो जिलेटिन पाउडर रखा था घोल के वो हम डाल देंगे।
और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पानी के साथ, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जल्दी जल्दी मिक्स हो जाता है। अभी जो है हमें यहाँ पे रेड कलर डालना है, ये देखिए, ज़्यादा नहीं डालना है फूड कलर, थोड़ा सा ही डालना है। और ये देखिए कलर जो है वो हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो मिल्क बनाया था जिलेटिन पाउडर के साथ, वो हम इसमें डाल दिया है और वो पूरी तरह से सेट हो गया है। अभी हमें जो स्टेप करना है वो है, जो हमने कलर डाल के बनाया है वो हम ऊपर से डालेंगे और फिर इसे फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। आधा घंटा के लिए हमें इसे भी फ्रिज में रखना है और फिर हम देखेंगे कि ये कैसे बन जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत आपका हार्ट शेप का वैलेंटाइंस डे का स्पेशल ये बन जाएगा पुडिंग, आप देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए सेट हो गया है, हम दिखा सकते हैं आपको। और अभी हम इसमें से आपको निकाल कर दिखाएंगे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा हम साइड को इसमें से पहले निकल लेंगे, ज़रूरत भी नहीं है। देखिए फिर हम देखेंगे कि कैसे बना है। ये देखिए मिल्क पुडिंग है, दो कलर की, एक ऊपर व्हाइट, एक नीचे जो है रेड कलर की। तो व्हाइट कलर की भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन ये वैलेंटाइंस डे के लिए हमने बनाया है, इसलिए हमने ये फिर से पलट देंगे और रेड कलर में जो है वो हम आपको दिखाएंगे। तो हम अभी इसे पलट लेंगे। देखिए ये देखिए, आज का हमारा जो वैलेंटाइंस डे स्पेशल पुडिंग है वो बिल्कुल रेडी है। ये साइड आप देख सकते हैं, ये देखिए साइड भी ये व्हाइट कलर है, ये ऊपर से रेड कलर है। तो आप घर पे बनाइए और बनाकर खाइए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइएगा और क्या आप देखना चाहते हैं वो मैं ज़रूर करूँगी।